किसी ने ठीक ही कहा है, झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन। इससे ही संबंधित मामला सामने आया धार से। धार जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम जामंदा में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के लोग आमने सामने हो गए, जिसमें चार लोग घायल हुए हैं। नौगांव थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। धार के ग्राम जेतपुरा के रहने वाले बद्रीलाल लोधा, कालू सिंह, संदीप, सचिन अपने खेत ग्राम जामंदा गए थे। कल हुई बारिश के बाद किसान अपने अपने खेतों में बोवनी कर रहे हैं, परंतु इन्हें नहीं मालूम था कि इनके ऊपर प्राणघातक हमला हो जाएगा। पहले से घात लगाए बैठे बद्रीलाल के बेटे गज्जू मुकेश नौगांव थाना अंतर्गत डायल 100 के जवान करण अर्जुन ने अपने अन्य दर्जन भर से अधिक साथियों के साथ बद्रीलाल लोधा, कल्लू सिंह, संदीप, सचिन के ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें चारों घायल हो गए। घायलों को धार के जिला भोज चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार चल रहा है। गंभीर रूप से घायल कालू सिंह को इंदौर रेफर कर दिया गया। नौगांव पुलिस ने बद्रीलाल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि वर्षों से जमीन का पारिवारिक विवाद चल रहा है। हिस्से बंटवारे को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। पुलिस ने सभी को बाउंड ओवर करके छोड़ दिया था। बद्रीलाल के नाम पर 12 बीघा जमीन है, जिसमें से सभी उनके बेटे जिन्होंने हमला किया गज्जू मुकेश, करण, अर्जुन को अलग से हिस्सा चाहिए, जबकि उनके पिता बद्रीलाल का कहना है कि जमीन में 1/4 के हिसाब से हिस्सा होगा, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। हम खेत पे जा रहे थे बोनी करने, आपको पानी की बात, सुबह बोनी करने जा रहे थे, हम चारों ही जा रहे थे, एक ड्राइवर बुलाया था बोने के लिए। पापा के नाम की 22 बीघा जमीन थी, दादा की जमीन थी, हम बोने गए थे। इतने में धाराधार हथियार लेके गज्जू सुखा लिया और उसके होटल पीछे वाले भी पूरे परिवार वाले, घर वाले सब, औरतें वगैरह सब और रिश्तेदार सब थे। करण सुगालिया करके उसने पालिया चलाया पापा के ऊपर, और पुलिस में वो कहाँ पे, पुलिस में नौगांव थाने पे काई के लिए चलाया उन्होंने, यही जमीन के विवाद के लिए। तो पापा जयपुर रहते थे, अभी जमीन के लिए आए पापा 10 साल बाद, तो आज पापा को मारा हमने पालिया से। तो आप काई के लिए गए थे वहाँ, बोनी करने गए थे। अच्छा, कितने जनों को मारा? चारों को, मैं, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे दादाजी। अच्छा, ये इधर जा, ठीक है।